हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था मोटो G32 स्मार्टफोन का गेमिंग मोड वाला सारे फीचर्स को दिखाने के लिए, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया और वो वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये तो भाई नहीं हो सकता है। इसलिए चलो आज इस वीडियो के अंदर मोटो G32 स्मार्टफोन का ओवरऑल जो गेमिंग मोड वाला फीचर है, हर एक फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस फोन का अबाउट सेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद अबाउट सेक्शन देख सकते हो, डिवाइस नेम मोटो G32 और ये स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड 12 के ऊपर चल रहा है। तो अभी चलो मोटो का हर एक गेम मोड वाला फीचर्स देखते हैं। सो गेम मोड को इनेबल करने के लिए आप लोगों को सीधा जो ऐप ड्रॉयर है उसके अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के बाद गाइस देख सकते हो गेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। गेम्स का ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद आप लोग सीधा गेम मोड के अंदर चले जाओगे। गेम मोड के अंदर आने के बाद सबसे पहला फीचर से गेम्स का, यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस के ऊपर सिर्फ एक ही गेम इंस्टॉल है, तो यहाँ पर फ्री फायर ही शो हो रहा है। तो फ्री फायर के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर माई कम्युनिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग गेम का जितना सारा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे सभी चीज शो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सो सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो मेरा 90Hz है। नेक्स्ट एक्वेस्टिन लाइट जो मेरा ऑफ है, और उसके नीचे है अलाउ फुल स्क्रीन, इसको आप इनेबल करके रख सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग्स के साइड में ही एक प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर टैप करके आप सीधा गेम के अंदर जा सकते हो। तो गेम मोड के अंदर गेम का जो सेटिंग्स है आप लोगों को दिखा दिया। अभी चलो गेम मोड का जो ओरिजिनल सेटिंग्स है सभी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो गेम मोड के अंदर ऊपर देख सकते हो एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पर टैप करके आप गेम मोड का हर एक फीचर्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोटो गेम टाइम, मतलब आप गेम को एक लिमिटेड टाइम के ऊपर सेट करके खेल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड बार एक्सेस। सो यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को तीन ऑप्शन शो हो जाएगा। पहला ऑप्शन है स्वाइप राइट फ्रॉम लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट पर स्वाइप करने से गेम मोड वाला फीचर्स को आप गेम के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टैप द आइकॉन, मतलब एक आइकॉन शो हो जाएगा गेम के अंदर, जिसको टैप करके आप गेम मोड वाला ऑप्शन को देख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है हाइड द साइड बार, मतलब आप गेम खेलते टाइम गेम मोड का जो फीचर है उसको हाइड करके भी रख सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन मैं थोड़ी देर बाद गेम के अंदर जाके प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई लोग गेम मोड का नेक्स्ट फीचर से शो लेवल्स, उसके नीचे ऐप शॉर्टकट्स। ऐप शॉर्टकट्स के अंदर क्या होता है, आप गेम खेलते रहें बहुत सारे ऐप्स को एक साथ ही यूज कर पाओगे। नेक्स्ट ऐप शॉर्टकट्स के नीचे स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग्स। स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो पहला ऑप्शन है व्यू फाइंडर साइज, नेक्स्ट रेजोल्यूशन, यहाँ पर मैक्सिमम 1080 पर ही आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट, फाइल साइज का भी ऑप्शन है। गेम मोड का नेक्स्ट फीचर से ब्लॉक नोटिफिकेशन और ब्लॉक कॉल्स, मतलब गेम खेलते टाइम आप सारे एप्स का नोटिफिकेशन और कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अलाउ रिपीट कॉलर, कॉलर एक्सेप्शन का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर गेम मोड का नेक्स्ट फीचर से ब्लॉक जेस्चर, यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोगों को चार ऑप्शन हो जाएगा। पहला है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, फास्ट टच, क्विक कैप्चर और स्वाइप टू स्प्लिट, और ये चारों जेस्चर्स ही गेम खेलते रहे बहुत काम का है। गेम मोड का नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक्ड मोड। अगर लॉक्ड मोड को इनेबल करके रखोगे तो गेम खेलते टाइम साइड से स्वाइप करने पर कुछ भी आप लोगों को शो नहीं होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, गेम खेलते टाइम ऑटोमेटिकली बैक बटन या होम बटन पर क्लिक होने से गेम बैक हो जाता है, लेकिन इसको इनेबल करके रखने से आप लोगों को बैक बटन या होम बटन कुछ भी शो नहीं होगा गेम के अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है डिसेबल एडेप्टिव ब्राइटनेस, मतलब ऑटो ब्राइटनेस को आप गेम खेलते टाइम ऑफ करके रख सकते हो या ऑन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑडियो इन्हेंसमेंट, इसको गाइस मैं ऑन करके रखा क्योंकि इस स्मार्टफोन के ऊपर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट है। तो गेम खेलते टाइम ऑडियो इन्हेंसमेंट को ऑन करके रखने से गेम का जो साउंड है वो गाइस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी है, तो गेम खेलते टाइम एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस गेम मोड के अंदर लास्ट फीचर्स है अनइंस्टॉल गेम्स। तो अनइंस्टॉल गेम के मदद से किसी भी गेम अगर गेम मोड के अंदर है तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई लोग गेम मोड का अगर होम पेज पर जाओगे ऊपर सेटिंग्स के बाजू में और एक ऑप्शन शो हो जाएगा फीडबैक, यहाँ पर जाके आप लोग गेम मोड का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से फीडबैक दे सकते हो। नेक्स्ट फीडबैक के साइड में एक पेंसिल का ऑप्शन है। पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे एप्स शो हो जाएगा, जहाँ पर आप किसी भी एप्स को गेम मोड के अंदर इनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे एप्स को सिलेक्ट कर लिया, तो गाइस देख सकते हो ये सारा एप्स गेम मोड के अंदर आ गया है, और यहाँ पर अनटिक करने से हर एक एप्स गेम मोड के बाहर चला जाएगा। तो भाई लोग ये था मोटो G32 स्मार्टफोन का गेम मोड वाला हर एक फीचर्स। अभी चलो गेम के अंदर जाके
हर एक फीचर्स को गौर से समझते हैं। सो भाई लोग, हम तो गेम के अंदर आ गए। गेम के अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड पर देख सकते हो एक गेम मोड वाला जो आइकॉन है वो आप लोगों को शो हो जाएगा। तो आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद हर एक गेम मोड वाला फीचर्स गेम के अंदर भी आप लोग देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पर पहला फीचर है ब्लॉक कॉल्स और ब्लॉक नोटिफिकेशन का, मतलब गेम खेलते टाइम आप किसी भी कॉल और नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉक्ड मोड। सो आप लोगों को मैंने बोला था लॉक्ड मोड को ऑन करने से साइड से स्वाइप करने पर कोई भी चीज आप लोगों को शो नहीं होगा, मतलब ऊपर से स्वाइप करने पर ना आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन शो होगा ना कुछ जेस्चर या मेनू बार शो होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर और एक्वास्टिक लाइट का। इसके अलावा यहाँ पर शेयर का भी ऑप्शन है, मतलब आप किसी भी स्क्रीन शॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से ही एकदम सीधा शेयर कर सकते हो। तो गेम के अंदर गेम मोड का नेक्स्ट फीचर से टच स्क्रीन, गेम्स सेटिंग्स और एड ऑन एप्स का। तो गेम्स के ऊपर टैप करने से आप लोग सीधा गेम मोड के अंदर चले जाओगे और यहाँ पर जो सेटिंग्स ऑप्शन है, सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर टैप करने पर आप लोगों को गेम मोड का जो सारे सेटिंग्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऐड एप्स का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करने से आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग गेम खेलते टाइम बहुत सारे एप्स को यूज कर सकते हो। तो भाई लोग, ये था मोटो G32, मतलब मोटो स्मार्टफोन का ओवरऑल गेम मोड वाला फीचर्स। और हाँ गाइस, गेम मोड के अंदर आप लोगों का सबसे पसंदीदा जो फीचर्स रजिस्टर, वॉइस चेंजर, वो तो भाई दुख की बात है इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। तो भाई लोग, मोटो का गेम मोड वाला वीडियो तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।